अरे बाबा, दांत का दर्द। क्या हुआ मालिक? हाँ मालिक, क्या हुआ मालिक? इतना क्यों चिल्ला रहे हैं मालिक? क्या हुआ बताइए ना। मेरे दांत के निचले जबड़ों में बहुत ही दर्द हो रहा है। इस दर्द से तो मैं मर ही जाऊंगा। अच्छा, आपका दांत दर्द दे रहा है? दर्द भगाने वाला स्प्रे होता है ना, वो स्प्रे लगा लीजिए। अरे गधे, वो बदन में लगाने वाला स्प्रे है, दांत में लगाने वाला नहीं। तू क्या मुझको मारना चाहता है? बोल, अब बेवकूफी वाली बातें बंद कर और मुझे वैद्य जी के पास ले चल जल्दी। वैद्य के पास? अरे मालिक, मेरे पास एक दवा है जिसको खाने से बिल्कुल दांत का दर्द ठीक हो जाएगा। मैं लेके आऊँ, बोलिए। हाँ जल्दी लेके आ, जल्दी। लीजिए लीजिए मालिक, है लीजिए, खा लीजिए। अभी आपका दांत का दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा मालिक। तेरा दिमाग खराब हो गया है? मेरे सर में लग गया मालिक। अपने सर के बारे में छोड़ और मेरे दांत के बारे में बात कर, बहुत दर्द हो रहा है। छिछोरोपन छोड़ और वैद्य जी के पास चल। ठीक ठीक है मालिक, चलिए वैद्य के पास। दांत में कीड़ा हुआ है, दांत को निकालना पड़ेगा। दांत निकालना पड़ेगा? दांत निकालने के बाद कुछ खाएंगे पिएंगे कैसे? मुंह बंद कर बेवकूफ, मुर कहीं का। डॉक्टर साहब, इसकी छोड़िए और मेरे दांत के दर्द के बारे में कुछ सोचिए, बहुत दर्द हो रहा है। हाँ ठीक है ठीक है। बिद्धू, पास की दुकान से एक आइसक्रीम ले आओ, जाओ। आइसक्रीम? आइसक्रीम से क्या होगा वैद्य जी? दांत निकालने के बाद कुछ ठंडा खाना पड़ता है, जाओ जाओ, आइसक्रीम हो या कोई भी ठंडी चीज हो ले आओ, ठीक है? एकदम ठंडा लाना होगा, ठीक है वैद्य जी। क्या चाहिए? चाचा जी, आइसक्रीम चाहिए। मैं आइसक्रीम नहीं रखता हूँ भाई। हा? क्या? तो बर्फ तो होगा ना? नहीं, वो भी नहीं है। तो फिर बर्फ कहाँ मिलेगा? सामने जाओ, वहाँ पर एक मच्छी का मार्केट है, वहाँ पर तुमको बर्फ मिल जाएगी। अच्छा अच्छा, धन्यवाद चाचा जी। भैया, ओ भैया, आपके पास थोड़ा सा बर्फ होगा क्या? क्या बर्फ? क्या तुम बर्फ खरीदोगे मुझसे? हाँ हाँ, बर्फ खरीदना है, मैं पैसा लेके आया हूँ। पर मैं तो मच्छी बेचता हूँ भाई। हाँ हाँ, तो आप मछली बेचिए ना, मुझे तो सिर्फ बर्फ चाहिए। हाँ भैया जी, लेकिन आपका बर्फ ठंडा तो होगा ना, क्योंकि मुझे गर्म बर्फ बिल्कुल नहीं चाहिए। अरे कैसी बात कर रहे हो भाई, बर्फ तो ठंडी ही होती है ना, मैंने तो गर्म बर्फ के बारे में कभी सुना ही नहीं है। आप भी कैसी बातें करते हैं। दे दीजिए भैया जी, ये लीजिए। वैद्य जी ये देखिए, बर्फ ले आया हूँ, आप दांत निकालना शुरू कीजिए वैद्य जी। हाँ ठीक है ठीक है, इस दांत को निकाल देते हैं बाहर। हाँ चलिए, आ कीजिए आ कीजिए। हाँ थोड़ा और बड़ा कीजिए मुँह, और मुँह बड़ा कीजिए, मुँह बड़ा कीजिए, और बस बस हो गया। अरे एक दांत निकालने में इतना दर्द होता है क्या? आप भी ना मालिक, हाँ ऐसे रोते रहते हैं। अरे तुम जवान हो, तुम्हारे दांत में कीड़ा लगेगा तब तुमको पता चलेगा। मेरे दांत में कभी कीड़े नहीं लगेंगे मालिक, मैं बेवकूफ हूँ तो क्या हुआ मालिक, शरीर पे मेरा बिल्कुल ध्यान रहता है। कैसे गंदी बाज आ रही है बर्फ के अंदर, मच्छी जैसी। अब जल्दी बता, ये बर्फ तू कहाँ से लेके आया है? ये तो मैं मछली वाले के पास से लाया हूँ मालिक, और कहीं मिल नहीं रहा था ना। तेरे को बर्फ लेने के लिए मच्छी मार्केट ही मिला, और कहीं से नहीं ला सकता था बर्फ, मुंह का स्वाद बिगाड़ दिया।
बुद्धू के दिमाग में ना बहुत बुद्धि है बिल्कुल। बुद्धू इधर आओ, मैं इनको नींद की गोली दे चुका हूँ। दांत के दर्द के कारण इनको नींद नहीं आएगी, इनके दांत में बहुत दर्द रहेगा, तो जब भी ये चिल्लाए तो रात को सोने से पहले ये दवाई उन्हें पिला देना, ठीक है? और लाइट खाना देना इनको, समझ गए ना सब कुछ? है वैद्य जी, मैं बिल्कुल सब समझ गया। मैं रात को सोने से पहले इनको ये दवाई पिला दूंगा और इनको ना लाइट खाना ही दूंगा। वाह वाह, मैं कितना होशियार हूँ। बुद्धू, अरे कहाँ मर गया? है मालिक, आपने बुलाया? मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है मालिक, मैं अभी आपके लिए खाना लेके आता हूँ। मालिक आ कीजिए, मुंह बड़ा कीजिए मालिक। क्या लेके आया तू? खाना लेके आया हूँ मालिक, आप मुंह तो बड़ा कीजिए पहले। मेरी दादी कहती थी कि मालिक को खाना खिलाने से पुण्य मिलता है। अरे ये क्या कर रहा है तू बेवकूफ, लाइट बंद कर। क्या हुआ मालिक, मैं तो लाइट खाना खिला रहा हूँ, इस टॉर्च से तो लाइट निकलती है ना मालिक। चलिए अब खा लीजिए। अरे लाइट खाने का मतलब तू ये जाना है? अरे लाइट खाने का मतलब कुछ और होता है। लाइट खाने का मतलब है कुछ हल्की फुल्की चीज लेके आ खाने के लिए, जो एकदम हल्का हो। लाइट मतलब हल्का? मेरी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है ना मालिक, इसलिए समझ नहीं पाया। अब जाओ जल्दी से लाइट खाना लेके, यानी हल्का खाना लेके आ, जाओ। लेकिन मालिक मेरे मन में ना एक सवाल है मालिक, हमारे घर में तो तराजू नहीं है मालिक, तो कैसे पता चलेगा कि कितना हल्का खाना बनाना है? हल्का खाना मतलब ऐसा हल्का खाना लेके आ जिसको मुझे बार बार चबाना ना पड़े, समझ गया तू? कुछ घुसा दिमाग में? खाने के बाद तो मुझको बहुत ही नींद आने लगी है। अरे मालिक तो सो गए लगता है। मालिक, ओ मालिक, मालिक उठिए, मालिक मालिक उठिए। क्या हुआ बंधु, क्या हुआ, मुझे ऐसे उठा क्यों दिया? अरे मालिक आपने तो नींद की दवाई पीनी भूल गए मालिक। लीजिए मालिक। गधा कहीं का, मुझे नींद से उठाकर तू मुझको नींद की दवाई पिलाता है, कुछ समझ में आ रहा है तुझे बेवकूफ कहीं का? मालिक छोड़ दीजिए मालिक, बहुत दर्द हो रहा है मालिक, मालिक छोड़ दीजिए मालिक, बहुत दर्द हो रहा है मालिक, छोड़ दीजिए मालिक। दर्द के साथ साथ मेरा सर भी दुखने लगा है, इस गधे को मैं कहाँ से उठा के लेके आया, इसके साथ कहाँ से पाला पड़ा है मुझे। बुद्धू मेरे दांत का दर्द तो बढ़ता ही जा रहा है, कम ही नहीं हो रहा है, दर्द तो बढ़ता ही जा रहा है। तू एक काम कर, अभी जाके मेरे लिए शरबत बना के लेके आ, जिससे मेरा दिमाग खुल जाए और पीने में मजा आए। ठीक है मालिक, मैं अभी आपके लिए शरबत बना के लाता हूँ। मेरी दादी बोलती थी सारे बीमारियों का जड़ पेट ही है, इसलिए पेट को हमेशा साफ रखना चाहिए। क्या होता है ना, मेरे मालिक का पेट ठीक से साफ नहीं होता, इसी वजह से इनको ये सब परेशानी होती है। ये लीजिए मालिक, पी लीजिए। वाह बुद्धू वाह, शरबत तो बहुत ही अच्छा है, तूने कैसे बनाया? अब देखिएगा मालिक, आपका शरीर एकदम स्वस्थ हो जाएगा मालिक। ये शरबत पी के मेरे पेट में गुड़गुड़ क्यों हो रही है भला, बता क्यों, क्या पिलाया तूने मुझे, ऐसा क्या पिलाया मेरे पेट में गुड़गुड़ मच गई? अरे मालिक, मैंने सुना है कि पेट साफ होने से ही सारी बीमारियां दूर हो जाती है, तो मैंने आपके शरबत में थोड़ा सा जुलाब मिला दिया है। अरे गधे, कल से मैं तेरा इतनी बेवकूफी वाली हरकतें बर्दाश्त कर रहा हूँ, तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं, रुक रुक रुक। मालिक छोड़ दीजिए मालिक, मालिक मुझे माफ कर दीजिए मालिक, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा मालिक, मालिक मुझे छोड़ दीजिए मालिक, मालिक मालिक मुझे छोड़ दीजिए मालिक, मैं कभी नहीं ऐसा करूंगा मालिक, मुझे छोड़ दीजिए मालिक। Ha ha ha.